कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए आज डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वॉरियर्स के रूप में लोगों की जान बचाने जुटे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1000 पीपीई किट भी दी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने आज सीएम योगी से मुलाकात की है और 1000 पीपीई किट भी दी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी सुरक्षा दी जाए। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1000 ये पीपीई किट भेंट की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने आज सीएम योगी से मुलाकात करके उन्हें पीपीई किट सौंपी है। तो पीपीई किट इस वक्त बेहद जरूरी है और इस दौरान यहां पर मुलाकात की है संजय सेठ जो राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने ये पीपीई किट सीएम योगी को दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वॉरियर्स के रूप में लोगों की जान बचाने जुटे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी के लिए आज राज्यसभा सांसद संजय सेठ आज खुद सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की है और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राज्यसभा सांसद संजय सेठ जी। बहुत स्वागत है संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपने सीएम योगी से मुलाकात की है और उन्हें पीपीई किट भी दी है। ऐसे में इस वक्त जो भी अपना योगदान दे रहा है ये बहुत बड़ा है इस वक्त, और ऐसे में आज आपने मुलाकात भी की, आगे भी आप कैसे अपना योगदान देते रहेंगे? जी नमस्कार जी सर। अच्छा देखिए, ऐसा है कि आज के दिन में जो ये इतना भयंकर संकट हम लोगों के ऊपर आया हुआ है भारत पे, उसमें जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और आगे सबसे आगे की लाइन में खड़े हैं वो हमारे हैं स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सिपाही, हमारे सफाई कर्मी। ये लोग सबकी सेवा कर रहे हैं और अपनी जान पे खेल के कर रहे हैं। तो इनके लिए अगर कोई कुछ कर रहा है, थोड़ा बहुत भी कर रहा है, तो वो कोई माने नहीं रखता। उनकी सेवा के आगे ये सब चीजें, जो कोई अगर आज मैंने कुछ दिया भी है मुख्यमंत्री जी को जी। तो वो कोई माने नहीं रखता। मैं ये चाहता ये हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें आगे आए, क्योंकि सारी चीजें सरकार पूरी नहीं कर सकती है जी। सरकार जितना कर रही है वो अपने हद से ज्यादा कर रही है और आगे करने के लिए वो तत्पर भी है, लेकिन है क्या कि हम लोगों को एक अंदर से आगे आके इन सारे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तभी हम लोगों की इस समाज की सुरक्षा हो पाएगी और भारत जो है इस संकट की घड़ी से बहुत अच्छी तरीके से आगे निकल जाएगा जी। बिल्कुल संजय जी, आप सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक तरफ यहाँ पर जैसा कि आपने मदद की है इन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और इन डॉक्टर्स के लिए, वहीं दूसरी तरफ हम कई बार ये तस्वीरें रोज आजकल देख रहे हैं जिनको बचाने के लिए ये लोग पहुँच रहे हैं, वही उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं, इनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए ऐसा है कि आज के दिन में सरकार उनके भले के लिए सोच रही है। पता नहीं उनको किसने क्या बता रखा है कि वो उसको गलत सेंस में लेते हैं, लेकिन आज के दिन में भारत की सरकार जो है उन जो भी व्यक्ति हो उनके लिए वो मदद करने के लिए आगे आ रही है, उनकी उनकी जान को बचाने के लिए, उस पूरे इलाके की जान को बचाने के लिए आगे आ रही है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराया जाए। कोई उसमें कोई जेल थोड़ी भेजा जा रहा है, लेकिन अगर उसके लिए कोई आदमी गलत उसको सोचता है तो मैं उन सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि भाई आप इस वक्त इस संकट की घड़ी में कुछ ना करें, लेकिन कम से कम किसी और को तो इसमें ना फैलाएं। आप खुद आगे आके अपने आप की इलाज कराएं और इलाज में पूरा सरकार आपका पूरा ख्याल रखने को तैयार है। आपको आपको अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा, आपकी जान बचेगी, आपके समाज की जान बचेगी। संजय जी, जो इस वक्त ये सिचुएशन है, ऐसे में आपने पीपी किट देने की क्यों सोची? क्योंकि सब अपनी तरफ से कोई सहयोग कर रहा है, कोई राशन बांट रहा है, कोई कहीं से कोई मदद कर रहा है, लेकिन आपने सीधे इस किट को ही यहाँ पर मुख्यमंत्री को सौंपा है। देखिए रोज अखबारों में ये निकल रहा है
कि पीपीई किट की कुछ किल्लत आ रही है। अच्छा, कुछ क्या हो रहा है कि कभी ये भी आता है कि कुछ क्वालिटी उसकी खराब होने की वजह से वो डॉक्टरों के लिए सूटेबल नहीं है, वो किसी और कर्मी के लिए ज्यादा सूटेबल हो सकती है, लेकिन जो आगे जो फ्रंट लाइन में खड़े डॉक्टर्स हैं उनके लिए वो सूटेबल नहीं हो रही है। तो मैंने इसलिए अपने मन में ये सोचा कि भाई इस चीज को मैं उनको दूं, अच्छी से अच्छी किट उनके पास पहुंचे जिससे उनकी जान बचे और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सके। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने देखा है तस्वीरें भी, संजय जी ने यहाँ पर पीपीई किट दी है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है। और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स जो जीन जान लगाकर यहाँ पर सभी की सुरक्षा कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं अपनी जान पर खेल कर, ऐसे लोगों के लिए ये पीपीई किट्स दी है सीएम योगी को संजय सेठ ने, जो राज्यसभा सांसद हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update.